देखो अब यहाँ पर ना कोई नहीं आएगा ना, इसलिए कह रहे हैं ना कि तुम भी मतलब प्यार के लिए परेशान हो, तुम्हारा पति उधर मतलब ऐश कर रहा है दूसरे के साथ, अब बाबा इधर तड़प रहा है और तुम इधर तड़प रही हो, ठीक ना, तो देर क्या है, आ जाओ अब हम दोनों मिलके ना प्यार करेंगे। कहूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घर पे भी नहीं अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भी नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा जीवन में लग रहा है दुखी दुखी भरा है। अच्छा देखती हूँ कितना भगवान हमारे साथ दुख झेलने के लिए लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। ए? वो बाबा जा रहे हैं क्या, बुलाती हूँ उसको। हमको अरे निशान एरिया में अकेले आके बैठी है, क्या बात है, हमको बुला रही है, हम तो अपने कुटिया पे जा रहे हैं लेकिन सुन ले रहे हैं क्या कह रही है, क्या बात है। मस्त रहो बच्ची, मस्त रहो, बैठे तो है नहीं, ठीक है ठीक है, बैठ जा रहे हैं। हाँ हाँ, तू इधर बैठने वाला जुगाड़े कहाँ है, यहाँ पे बैठ जाए, कोई बात नहीं है। हम तो ये सोचने लगे कि कौन हमको बुला रहा है, तब देखे हैं कि तुम हो बच्ची। इस मतलब सुनसान जगह पे इतना मतलब जंगल एरिया में एकदम गांव से किनारे आके तुम अकेले बैठी हो, है? हम तो अपने कुटिया पे जा रहे थे, लेकिन ये बताओ तुम मतलब यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो, क्या बात है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। देखिए ना, घर पे भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आके बैठे, थोड़ा हमारा हाथ देख लीजिए ना, यही दिखाने के लिए। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है कहीं पे? नहीं। अच्छा ई वाला हाथ नहीं ना, वो वाला हाथ दो। बापरी, कहाँ से तुमको अच्छा लगेगा, हाँ? तुम्हारा तो जीवन एकदम दुख में बीतेगा। ऐसे आप बोल रहे हैं बाबा, वैसे ही हो ही रहा है हमारे। हो रहा है ना, अरे औरत के लिए उसका पति जो है वही उसके लिए देवता होता है, अब तुम्हारा जो पति है ना इस समय दूसरे के चक्कर में पड़ गया है। बात सही है कि गलत है? सही है। वो तुमको फोन वोन नहीं करता है? नहीं करता। तुम फोन भी करती हो तो काट देता है, तुमसे बात नहीं करता है? नहीं बात करता है। तुम्हारे पास एको रुपया नहीं भेजता है? एको रुपया नहीं देता है। वो सोचता है कि कब ये हमारा घर छोड़ के भग जाए, चली जाए कहीं, ऐसा है ना? बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि वो हमारे बस में हो जाए, ठीक हो जाए। समझ रहे हैं तुम्हारा दुख दर्द बाबा समझ रहा है, लेकिन क्या करोगी बच्ची, आजकल जमाना इतना एडवांस हो गया है ना कि देखो तुम इतना सुंदर मतलब इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है, इतना हुस्न है, जवानी है, आए? तुम्हारे साथ शादी किया तब तक खुश था ना, ठीक था ना, आ तुमको छोड़ के जो बाहर गया कमाने के लिए वहाँ दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, वहीं से वो बिगड़ गया है। हाँ 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 हाँ, तुमको भूल गया है। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। तुम्हारे हाथ में जो मतलब साक्षात रेखा बता रहा है वो बाबा बता रहा है। अच्छा। हाँ मतलब ऐसा दुख तकलीफ है कि नहीं है, बाबा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। बच्ची देखो यहाँ कोई नहीं है, बाबा है, तुम हो, ठीक ना? बाबा जो कहता है मतलब गलत मत समझना, अपना मतलब जो बात अंदर का है साफ साफ बताना। हम ये कह रहे हैं तुमको जो है इतना सुंदर हुस्न है, इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है, जवानी है, इस समय तुमको ना प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। आ इस समय तुम्हारा पति जो है कि दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, आ? अब तुम जो है कि मतलब इधर उधर दर दर की ठोकर खा रही हो, भटक रही हो, अपना जीवन मतलब दुख में बिता रही हो।
देखो तुम्हारा जो परेशानी है ना, बाबा एकदम ठीक कर देगा। बाबा कुछ ऐसा कर देगा कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ जाएगा, दौड़े दौड़े आ जाएगा, तुमको जानेगा, मानेगा, तुमसे प्यार करेगा, तुमको छोड़ के किसी के तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ कर दीजिए कि वो हमारे पास आए। लेकिन तत्काल में ना, मतलब देखो बाबा जो कहना चाहता है साफ साफ बोल दे रहा है। तत्काल का जो बात है वो तो मतलब तुम्हारा पति आ जाएगा, बाबा सब कर देगा, ठीक ना। लेकिन तत्काल का जो बात है ना, तुम भी जो है कि प्यार के लिए एकदम तड़प रही हो, अंदर अंदर खोज रही हो, ठीक ना। और बाबा जो है ना, बाबा जो है कुटिया पे रहते रहते बोर हो जाता है, ठीक ना। बाबा को भी मतलब ऐसा होता है कि कोई मिलती तो थोड़ा बाबा प्यार करता, बाबा अपना मतलब खुशहाल जीवन जीता, बाबा को भी लगता कि हाँ जीवन में कुछ ऐसा आराम होता है। मतलब समझो बाबा क्या कहना चाहता है, समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? समझ रही है। समझ रही है, लगता है काम बनेगा। तो मतलब बाबा तुमको कुछ कहना चाहता है, गलत नहीं ना मानोगी? तुम बुरा ना मानो ना, तो जिसके लिए तुम तड़प रही हो प्यार के लिए, अपने पति के प्यार के लिए, वो मतलब तुमको बाबा पूरा कर देगा। आए तो समझ रही हो बात को? बाबा आए, आज तक अपने पति को छोड़ के हम किसी से प्यार नहीं किया, आपके साथ करेंगे तो हमको शर्म आएगा, ऐसे कीजिए पति हमारे पास आ जाए। अरे रे 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 रे, हम तो कहिए रहे हैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ जाएगा, समझ रही हो बात को? तुम्हारा पति तुम्हारे पास एकदम आ जाएगा, बाबा ऐसा कर देगा, ठीक ना। लेकिन उसके पहले तत्काली जो बात है ना, उसको समझो। तुम्हारा भी मतलब दिल बहल जाएगा और बाबा का भी दिल बहल जाएगा। तुम्हारा पति कैसा है देखो, इतना सुंदर तुमको मतलब उसका पत्नी मिली हुई है, तुमको छोड़ के दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, दूसरे के साथ मुंह मार रहा है, और तुम जो है उसी के चक्कर में लगी हुई हो, हा? तो सोच लो मतलब तुम चाहो ना तो जो तुम्हारा परेशानी है। चलिए ठीक है, जो आप बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, जब जब चाहोगी बाबा के पास आओगी, बाबा और तुम मिलके प्यार किया जाएगा, इंजॉय किया जाएगा, मजा लिया जाएगा जीवन का। तो ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं बच्ची कि यहाँ पर तो कोई आ जाएगा ना? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आता है। कोई आता नहीं है, लेकिन ये एक गोड़िया रास्ता है, कभी कभी कोई आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। इसलिए कह रहे हैं उधर चलो ना, झाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। जाओ आ जाओ, अब यहाँ पर ना कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, एकदम फ्री फ्री है यहाँ, ठीक ना। इसलिए कह रहे हैं ना कि तुम भी मतलब प्यार के लिए परेशान हो, तुम्हारा पति उधर मतलब ऐश कर रहा है दूसरे के साथ, अब बाबा इधर तड़प रहा है और तुम इधर तड़प रही हो, ठीक ना। तो देर क्या है, आ जाओ, अब हम दोनों मिल के ना प्यार करेंगे। आ जाओ बच्ची, तुमको आज जो है कि कई वर्षों के बाद अच्छा लगा है ना? अब देखो वो तुम्हारा पति तो आइए जाएगा, बाबा कुछ ऐसा कर देगा, ठीक ना। लेकिन उसके पहले ना, जब भी तुमको प्यार करने का मन होगा तुम यहीं पे आ जाना, उधर में मेरा कुटिया है ना, बाबा बराबर इधर मिलेगा, ठीक ना। ठीक है, आ जाओ।